हेलो गाइज़ वेलकम बैक अगेन एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइटोकाइंस इट इज़ पार्ट टू ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ एंटागोनिस्ट के बारे में मतलब कि ऐसे केमिकल्स uh, या ऐसे साइटोकाइंस ही uh, या ग्लाइकोप्रोटीन्स जो साइटोकाइंस के अफेक्ट को इनहिबिट करते हैं फिर हम टी uh, सेल की सब पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और कौन कौन से इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं फिर उनमें एक दूसरे के जो सिक्रेशन को डाउन रेगुलेट और अप रेगुलेट कैसे किया जाता है ये सब आज हम स्टडी करेंगे और इससे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस पार्ट के तो यहाँ पे जो साइटोकाइन इनहिबिटर्स हैं वो दो तरीके से एक्शन अपना परफॉर्म कर सकते हैं पहले वो साइटोकाइन रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड हो जाए अगर साइटोकाइन रिसेप्टर से इनहिबिटर बाइंड हो जाता है तो जो साइटोकाइन रिसेप्टर है उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी तो साइटोकाइन उससे बाइंड नहीं कर पाएगा सेकेंड अगर साइटोकाइन से ही कोई बाइंड हो जाता है तो उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर या उसकी कंफर्मेशन चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा हो पाएगा तो दोनों ही केसेस में साइटोकाइन और रिसेप्टर की बाइंडिंग को प्रिवेंट किया जाता है अब इनहिबिटर की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इनहिबिटर का फर्स्ट आर ए ठीक है। ये किसके लिए है इंटरलुकिन फर्स्ट के रिसेप्टर के लिए इंटरलुकिन फर्स्ट का जो रिसेप्टर होता है उससे ये बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से इंटरलुकिन फर्स्ट की बाइंडिंग उसके रिसेप्टर प्रिवेंट की जाती है और ये जो इंटरलुकिन फर्स्ट आ रहे हैं ये इनहिबिटर इंटरलुकिन फर्स्ट अल्फा एंड इंटरलुकि फर्स्ट बीटा दोनों की ही बाइंडिंग को इनहिबिट करता है साइटोकाइन इनहिबिटर्स ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं मतलब ब्लड के अंदर मिलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में मिलते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में मिलते हैं जब भी जो हमारा साइटोकाइन रिसेप्टर है जैसे ये कोई सेल है ठीक है और यहाँ पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ये जो रिसेप्टर ये भी प्रोटीन का बना होगा ठीक है जब कोई भी ऐसा एंजाइम जो प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज करता है मतलब वो प्रोटीन का क्लीवेज करता है वो इस रिसेप्टर को तोड़ देगा और वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो क्या करेगा इससे बाइंड होगा या फिर साइटोकाइन से बाइंड होगा और एक्ट करेगा एज ए इनहिबिटर ठीक है एग्जाम्पल की बात करते हैं इंटरल्यूकिन टू रिसेप्टर है ठीक है इंटरल्यूकिन टू जो रिसेप्टर है उसमें वो कब रिलीज होता है इंटरलोकिंग टू रिसेप्टर है उसका वो होता है एस आई एल टू आर ये तो रिसेप्टर है ये इंटरलोकिंग टू जो है ये साइटोकाइन है तो ये साइटोकाइन इस रिसेप्टर से बाइंड होता है एस इंटरलोकिंग टू आर से अब ये कब रिलीज होता है ये तब रिलीज होता है इंटरलोकिंग टू जब हमारी टी सेल एक्टिवेट करनी हो ठीक है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना हो टी सेल एक्टिवेशन जब होता है तो इंटरलोकिंग टू रिलीज होगा अब वो कब बाइंड होगा जब किसी भी सेल के ऊपर एस इंटरलुकिन टू आर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा ठीक है तो जो हमारे इंटरलुकिन रिसेप्टर है एस आई एल टू आर जो रिसेप्टर है इसमें अमाइनो एसिड टर्मिनल टर्मिनल पे 192 अमाइनो एसिड होते हैं इसकी अल्फा सब यूनिट में दो होती हैं सब यूनिट हर एक रिसेप्टर की अल्फा एंड बीटा तो अल्फा सब यूनिट में 192 अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज के बाद टूट जाते हैं और एक 45 किलो डाल्टन का एक सोल्यूबल सोलबल रिसेप्टर फॉर्म करते हैं जो ब्लड में सोल्यूबल हो रिसेप्टर अब बाइंड कर जाता है इंटरलोकिन टू के साथ और जिसकी वजह से इंटरलोकिन टू जो साइटोकाइन है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाता और इनहिबिशन यहाँ पे कॉज होता है तो जो प्रेजेंस है एस इंटरलोकिन टू आर की वो ऑब्जर्व कब कब की जाती है जब हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशन शो हो रही हो ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी हमारी ही बॉडी की सेल्स को या ऑर्गन्स को डैमेज करने लग जाए ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के टाइम पे, जब हमारी बॉडी में कोई किसी और इंसान का ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर एक्ट करता है जिसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं या फिर एड्स के टाइम पर तो ये सारा जो हमने इनहिबिटर का रोल देखा वो इन तीन प्रॉब्लम्स या इन तीन ऑटोमिन इन तीन कंडीशन में देखने को मिलता है ऑटोमिन में ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में और एड्स के केस में अब हमें पता है कि बहुत सारे वायरस भी हमें अफेक्ट करते रहते हैं हमारी बॉडी को अटैक करते रहते हैं वायरल डिजीज़ भी कॉज करते हैं तो कुछ वायरसेस हैं जो एंटी एंटीसाइटोकाइन स्ट्रेटी अपनाते हैं साइटोकाइन की बाइंडिंग को इनहिबिट करने के लिए वो साइटोनो साइटोकाइन होमोलोग फॉर्म कर देते हैं जो हु हुब कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है साइटोकाइन की तरह सोल्यूबल साइटोकाइन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म कर देते हैं साइटोकाइन के रिसेप्टर्स के होमोलोग फॉर्म कर देते हैं इंटरफेरेंस करते हैं इंट्रा सिग्नलिंग में जिसकी वजह से साइटोकाइन रिलीज नहीं हो पाते और साइटोकाइन के सिग्रेशन को इंटरफेयर करते हैं मतलब इनहिबिट करते हैं या फिर साइटोकाइन इनहिबिटर्स के प्रोडक्शन को इंड्यूस करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिटर प्रोड्यूस हो और साइटोकाइन की बाइंडिंग को प्रिवेंट किया जाए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे पॉक्स वायरस ये मिक्सोमा वायरस है ये सोल्यूबल इंटरफिर गामा रिसेप्टर का होमोलोग फॉर्म करता है बहुत सारे पॉक्स वायरसेस हैं जो सोल्यूबल गामा के रिसेप्टर के होमोलॉग्स फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से गामा अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता क्योंकि उनका होमोलॉग ऑलरेडी बाइंड कर जाता है वैक्सीनिया या स्मॉल पॉक्स वायरस सोल्यूबल इंटरलोकिन वन बीटा के रिसेप्टर के होमोलॉग को फॉर्म करते हैं ऐसे ही एपस्टिम बार वायरस जो है वो इंटरलोकिन टेन का होमोलॉग फॉर्म करता है ह्यूमन हर्पस वायरस भी जो कि एक डीएनए वायरस है वो इंटरलूकिन सिक्स का होमोलोग फॉर्म करता है और केमोकाइंस एम फर्स्ट एंड एम आई का भी होमोलोग फॉर्म करता है होमोलोग का मतलब यही है कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है और वो बाइंड कर जाता है उसके रिसेप्टर से जिसकी वजह से ओरिजिनल प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाता यहाँ पर वायरस ये तीन डिफरेंट केमोकाइंस केमोकाइंस जो केमोटेक्सिक इफेक्ट शो करते हैं केमिकल्स के अगेंस्ट इफेक्ट शो करते हैं उनके होमोलोगस रिसेप्टर को फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से ये केमोकाइंस अपने ओरिजिनल रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं हो पाते और थ्री डिफरेंट सोलबर के, जो केमोकाइंस हैं रेंटिस एम सी पी फर्स्ट एंड एम 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 आई पी फर्स्ट एल्फा अब हम बात करते हैं साइटोकाइन सिक्रेशन की जो हमारी टी सेल्स होती हैं हेल्पर टी सेल्स जो एक लिम्फोसाइट हैं वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है उसके आगे सब पॉपुलेशन फॉर्म होती हैं टी एच वन सबसेट एंड टी एच टू सबसेट ये हेल्पर टी सेल फर्स्ट है एंड हेल्पर टी सेट टी सेल टू सबसेट पॉपुलेशन है ठीक है ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के साइटोकाइंस को सिक्रेट करती हैं और डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं जैसे सी डी फोर पॉजिटिव टी एच सेल्स जो होती हैं वो साइटोकाइंस को दो वी में सिक्रेट करती हैं और वो जो साइटोकाइंस हैं वो दो तरीके से एक्शन अपना परफॉर्म करते हैं ओटोक्राइन फैशन में ओटोक्राइन का मतलब ये है जो सेल उसको सिक्रेट करेगी उसी के ऊपर वो एक्ट करेंगे या फिर पैराक्राइन फैशन में जिसमें वो नेबरिंग सेल के ऊपर एक्ट करेंगे टी एच सेल की जो सब पॉपुलेशन है वो दो टाइप की होती है टी एच फर्स्ट एंड टी एच टू वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है उनके फंक्शन के बेसिस पे और उनके किस साइटोकाइन को वो सिक्रेट करेंगी इस बेसिस पे क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप के साइटोकाइन को सिक्रेट करती हैं और दोनों का डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है अगर मैं बात करूं टी एच वन की, टी सेल वन सबसेट की तो ये सेल करती सेल करती हैं, मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, डिलेड हाइपर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती हैं और साइटोटॉक्सिक सेल सी जो है ये साइटोटॉक्सिक सेल को डिनोट करता है जो सेल डेमेज या इन्फेक्टेड सेल्स को इनगल्फ कर लेंगी फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करेंगी वो साइटोटॉक्सिक सेल हैं तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की के एक्टिवेशन का मेजर रोल प्ले करती हैं टी एच वन सेल्स और ओप्सोनाइजेशन करती है ये और इम्यूनोग्लोबिन जी जो हमारी एंटीबॉडी है उसको प्रमोट करती है मतलब उसके सिग्रेशन को प्रमोट करती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करती है इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी बॉडी में ईचिंग हो गई कहीं पे स्वेलिंग हो गई रेडनेस हो गई ठीक है फीवर हो गया ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है और किसी भी टिश्यू में इंजरी कोज हो गई तो इन सब सेल्स की वजह से होंगी क्योंकि ये ऐसे साइटोकाइंस रिलीज करेंगी जिसको अभी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं टी एच टू सेल की बात करूँ तो ये ईओसाइनोफिल जो कि हमारी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं इन सेल्स को ठीक है उनको डिफ्रेंशिएट करते, है करते हैं और हेल्प प्रोवाइड करते हैं बी सेल्स को ताकि वो एंटीबॉडीज़ रिलीज करें और इमिनोग्लोबिन एम एंटीबॉडी और इमिनोग्लोबिन ई e को ये क्या करते हैं इनके प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं और नॉन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवाते हैं इमिनोग्लोबिन जी आइसोटोप्स का आइसोटोप्स मतलब इमिनोग्लोबिन जी वन जी टू ये जो है इन आइसोटोप्स का नॉन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवाते हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा बट ये आइसोटोप्स एक्टिवेट हो जाएंगे अब हम बात करते हैं टी एच फर्स्ट की ये कौन कौन से साइटोकाइंस सिक्रेट करती हैं ये इंटरफिरन गामा सिक्रेट करती हैं ठीक है इंटरफिरोन गामा क्या करता है इन्फ्लेमेशन कोज करता है इन्फ्लेमेशन वही रेडनेस स्वेलिंग ईचिंग फीवर और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कोज करता है जो हमारा इंटरफिरन गामा है ये मैक्रोफेज़ को एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज अमीबा लाइक सेल्स होती हैं जो शूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके सेल ईटिंग करती हैं सेल ईटिंग किसको ईट करेंगी किस को इन्गोल्फ़ करेंगी ये डेड और ओल्ड सेल्स को इन्फेक्टेड सेल्स को इन्गोल्फ़ करेंगी और डेबरीज को क्लीन करेंगी मतलब ये फेगोसाइटोस एक्टिविटी शो करती हैं ये अप रेगुलेट करती हैं लेवल किसका क्लास सेकेंड एम एच सी मोलिक्यूल का और इंटर ट्वेल्व को ये सिक्रेट करती हैं जब इंटर ट्वेल्व सिक्रेट हो जाता है तो वो दोबारा से हेल्पर टी सेल्स की को डिवाइड करता है और उनको डिफ्रेंशिएट करवाता है टी एच वन सबसेट में मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होगा टी एच वन सेल के फॉर्मेशन में तो ये हो गया अपरेगुलेशन कि टी एच वन सेल ने इंटरफियर गामा सिक्रेट किया फिर उससे मैक्रोफेज एक्टिवेट हुई मैक्रोफेज से इंटरलोकिंग ट्वेल्व आया इंटरलोकिंग ट्वेल्ल ने दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करवा के टी एच सेल का क्या फॉर्म कर दिया टी एच वन सबसेट पॉपुलेशन ठीक है अब जो इंटरफ्योन गामा है वो टी एच टू जो, जो सबसेट पॉपुलेशन है उसके एक्सपेंशन को इनहिबिट करता है क्योंकि इसकी वजह से इंटरलोकिंग ट्वेल्व सिक्रेट हो रहा है जो किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है हेल्पर टी सेल वन सबसेट की पॉपुलेशन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है अब जो हमारी टी एच वन सेल्स हैं ये इंड्यूस करती हैं एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग ये क्लास को स्विच कर देती हैं इम्यूनोग्लोबिन जी क्लासेस में जैसे इम्यूनोग्लोबिन जी टू ए माउस के केस में जिसकी वजह से वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसमें सी वन टू सी नाइन हमारा मेम्ब्रेन पे बाउंड हो जाते हैं प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और क्या हो जाता है वहाँ पे एक पोर फॉर्म हो जाता है ताकि सेल ब्रस्ट आउट हो जाए और डेड हो जाए तो उसको फिक्स करते हैं ये और फेगोसाइटोसिस को सपोर्ट करते हैं फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग को सपोर्ट करते हैं अब जो हमारा टी एच वन सेल है ये इंटरलुकिंग टू भी सिक्रेट करती है और इंटरफिर गामा भी ये डिफ्रेंशिएट करेंगे साइटोटॉक्सिक सेल्स को और सी डी एट प्रीकर्सर्स फॉर्म कर देंगे सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है टू तो जो टी एच वन सेल्स हैं वो वायरल इन्फेक्शन में या फिर जब इंट्रा सेलर पैथोजेंस एंटर करते हैं हमारी बॉडी में सेल के अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जब एंटर कर जाते हैं पैथोजेंस तब हमारा जो मेन रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो वो किसके थ्रू जनरेट होगा हेल्पर टी वन सेल्स के थ्रू जनरेट होगा तो हमने यहाँ पे मेन ये पढ़ा कि जो हेल्पर टी सेल्स वन है वो इंटरफिर गामा सेक्रेट करेंगी वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा फिर वो इंटरलोकिन ट्वेल्व से क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से हेल्पर टी वन सबसेट पॉपुलेशन फॉर्म होंगी तो ये क्या हो गया अप रेगुलेशन दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन जी टू ए फॉर्म होगा जो फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा यहाँ पे इंटरलोकिन टू और गामा डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं टी सी सेल्स का और सी डी एट पॉजिटिव प्रिकर्सर्स फॉर्म होते हैं तो मेन फंक्शन क्या है टी एच वन सबसेट पॉपुलेशन का जब भी हमारी बॉडी में इंट्रासेलर पैथोजेंस अटैक होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा तो ये सबसेट पॉपुलेशन एक्टिवेट होंगी क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब आ, सेट पॉपुलेशन कौन से साइटोकाइन को इनकोसिग्रेट करती है इंटरलोकिन टू को इंटरलोकिन ट्वेल्व को इंटरफिर गामा को अब हम बात करते हैं हेल्पर टी एच टू सबसेट पॉपुलेशन की ये प्रोडक्शन करवाते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई e का और ईओसाइनोफिल ईओसाइनोफिल जो वायरल इन्फेक्शन में एक्ट करती हैं सेल्स जो हमारी योसिन जो डाई है उससे स्टीन होती है ये मेडिएट करती है हेल्म राउंड वोम के जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है उस टाइम पे ये क्या करेंगी फाइट करेंगी और इमिनोग्लोबिन ई e प्रोडक्शन करेंगी अब टी एच टू जो सबसेट पॉपुलेशन है वो इमिनोग्लोबिन फोर एंड इम्यूनोग्लोबिन टेन फॉर्म करती हैं ये क्या करता है ये टी एच वन सेल की पॉपुलेशन को एक्सपेंड नहीं होने देता मतलब उसका फर्दर जो प्रोलीफ्रेशन है या डिवीजन है उसको प्रिवेंट करता है और क्या प्रो ये यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी बॉडी स्विचिंग करेगा इम्यूनोग्लोबिन जी जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट पाथवे इनहिबिट हो जाएगा और बी सेल स्विच कर जाएगी इम्यूनोग्लोबिन एम टू इमिनोग्लोबिन ई और यहाँ पे क्या होगा ईरोसाइनोफिल डिफ्रेंशिएशन होगा और एक्टिवेशन होगा किसके थ्रू इम्यूनोग्लोबिन फाइव के थ्रू हमने क्या समझ में आया कि जो हमारी हेल्पर टी टू सबसेट है एच टू सबसेट है वो फोर फाइव और टेन को फॉर्म करती है इम्यूनोग्लोबिन ई सिक्रेशन में हेल्प करती है इम्यूनोग्लोबिन एम से इम्यूनोग्लोबिन ई फॉर्म हो जाता है ईओसाइनोफिल डिफ्रेंशिएशन हो जाता है यही मेन काम होता है किसका टी एच टू सबसेट पॉपुलेशन का और ये राउंड बोम इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं बाय एक्टिवेटिंग किसको को को अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मतलब समरी है जो हमने अभी डिस्कस किया उसी की समरी है कि कौन से साइटोकाइन सिक्रेट किए जाते हैं टी एच वन एंड टी एच टू सबसेट पॉपुलेशन के थ्रू टी एच वन की बात करूँ तो इंटर लोकिंग टू इंटरफिर गा इंटरफिर बीटा जी एम सी एस एफ एंड इंटरलोकिंग थ्री ये सिक्रेट किए जाते हैं अगर मैं टी एच टू सबसेट पॉपुलेशन की बात करूँ तो इंटर लोकिंग थ्री इंटर लोकिंग फोर फाइव टेन एंड थर्टीन इसके थ्रू फॉर्म किए जाते हैं फंक्शंस की बात करूं टी एच वन एंड टी एच टू सबसेट की तो जो टी एच वन सबसेट पॉपुलेशन है ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है इम्यूनोग्लोबिन जी टू ए की फॉर्मेशन में हेल्प करती है मैक्रोफेज के एक्टिवेशन में हेल्प करती हैं डिले टाइप हाइपरसेंसिटिविटी सेंसिटिविटी करवाती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक्टिवेशन करवाती हैं जो टी एच टू सबसेट पॉपुलेशन है ये टोटल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं इमिनोग्लोबिन ई के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं आई जी जी टू ए प्रोडक्शन है दोनों में वो यहां पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है यो साइनोफिल एंड मास्ट सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं टी एच टू सेल ठीक है अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की द डेवलपमेंट ऑफ टी एच वन एंड टी एच टू सबसेट इज डिटरमेंट साइटोकाइम्स के सिक्रेशन से ही ये डिसाइड होता है कि वहाँ पे टी एच वन सेट की पॉपुलेशन फॉर्म होगी या टी एच टू सबसेट की पॉपुलेशन फॉर्म होगी कैसे देखो एंटीजन ने अटैक किया एंटीजन है पैथोजन है कोई भी प्रोटीन है टॉक्सिन है कोई भी केमिकल है उसने अटैक किया जिसकी वजह से हमारी सी डी फोर पॉजिटिव टी सेल जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो गई अब ये अलग अलग सेल के पास जाके एंटीजन को प्रेजेंट करेंगी कैसे प्रेजेंट करेंगी साइटोकाइन को सिक्रेट करके तो इन्होंने प्रोड्यूस किया इंटरलोकिन टू और ये प्रोलिफ्रेट हो गई प्रोलिफ्रेट मतलब डिवाइड होके बहुत सारी बन गई ठीक है अब जो इंटरलोकिन टू होता है ना वो मैक्रोफेज और डेंट्रेटिक सेल्स को एक्टिवेट कर देता है जैसे ही मैक्रोफेज एंड डेंट्रेटिक सेल्स एक्टिवेट होती हैं ये इंटरलोकिंग ट्वेल्व सिक्रेट करती हैं इंटरलोकिन जो ट्वेल्व होता है वो हेल्पर टी वन सबसेट पॉपुलेशन को फॉर्म करता है यहाँ पे इंटरलुकिन 18, इंटरलुकिन 23, इंटरलुकिन 27 ये सारे इंटरलुकिन किसके फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे हेल्पर T1 सबसेट पॉपुलेशन में अब जैसे ही हेल्पर T1 सबसेट पॉपुलेशन फॉर्म हुई उसने आगे साइटोकाइन रिलीज किए इंटरफिर गामा इंटरलुकिन 2, टू, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा और इनकी वजह से कौन कौन से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुए डिलेड टाइप हाइपर और मैक्रोफेज का अगेन एक्टिवेशन हो गया जिसको हमने पॉजिटिव फीडबैक लूप बोला ठीक है है अब जो हमारा गामा है, वो पॉजिटिव फीडबैक लूप कर रहा है बाय अगेन एक्टिवेटिंग मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल ठीक है बट वो इनहिबिट कर रहा है प्रोलिफ्रेशन दूसरी सबसेट पॉपुलेशन का जो कि टीएच थी टू है ठीक है अब यहाँ पे जो मैक्रोफेज थी वो किसके थ्रू एक्टिवेट हुई थी इंट्रा सेलुलर इन्फेक्शन के थ्रू जो बैक्टीरियल हो सकता है पैरासिटिक हो सकता है या एल पी एस हो सकता है जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है ठीक है अब अगर यहाँ पे इंटरलुकिंग टू जनरेट होता है इंटरलोकिंग टू जो जनरेट हुआ है उसकी वजह से इंटरलुकिंग फोर सिक्रेट होता है इंटरलुकिन फोर जो है वो यहाँ पे किसकी डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है वो हेल्प करता है कि जो टी एच सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर टी टू सबसेट पॉपुलेशन फॉर्म करें और जैसे ही टी टू सबसेट पॉपुलेशन फॉर्म होगी तो वो अगेन रिलीज करेगा इंटरलुकिन फोर को इंटरलुकिन फाइव को इंटरलुकिन टेन को एंड इंटरलुकिन थर्टीन को और इन्हीं साइटोकाइन की वजह से योसाइनोफिल एक्टिवेट हो जाएंगी एंड इमिनोग्लोबिन ई का सिक्रेशन हो जाएगा और जैसे ही ये इंटरलोकिन रिलीज होंगे ये दोबारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इंटरलोकिन फोर की फॉर्मेशन करेंगे अब यहाँ पे इंटरलोकिन फोर एंड इंटरलोकिन जो टेन था वो डाउन रेगुलेट करेगा सिक्रेशन किसका मैक्रोफेज का एंड सेल्स का मतलब इनको इनहिबिट करवा देगा तो ये डाउन रेगुलेशन भी करता है इसका और अप रेगुलेशन किसका करता है इंटरलोकिन फोर का अब जो टी एच वन सबसेट पॉपुलेशन है ये प्रोड्यूस करती है आई जी जी टू ए को जिसकी वजह से बी सेल का प्रोडक्शन होता है जो आगे जाके एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती है और जो टी एच वन सेल है ये इनहिबिट करवाती है प्रोडक्शन कर इसका आई जी जी वन का और इम्यूनोग्लोबिन ई e का ठीक है अब जो टी एच टू है वो प्रमोट करती है प्रोडक्शन आई जी जी वन का और इम्यूनोग्लोबिन ई e का तो ये एक दूसरे के अपोजिट है ये इसका इनहिबिट करती है प्रोडक्शन ये इसका प्रोडक्शन करवा रही है ठीक है और ये जो टी एच वन थी वो प्रोडक्शन करवा रही थी आई जी जी टू ए का और टी एच टू ने इसको इनहिबिट कर दिया अब दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं टी बैट एंड गाटा थ्री डीज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टी बैट एंड गाटा थ्री ये की एलिमेंट होते हैं ये डिटरमाइन करवाने में कि कौन सी सबसेट पॉपुलेशन फॉर्म होगी और कैसे क्रॉस रेगुलेशन होगा ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा सबसे पहले एंटीजन का एक्टिवेशन हुआ फिर टी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट हुई उनसे इंटरलोकिन टू फॉर्म हुआ फिर मैक्रोफेज एक्टिवेट हुई फिर इंटरलोकिन ट्वेल्व फॉर्म हुआ फिर टी एच वन सेट हमारी फॉर्म हुई जिससे अलग अलग हमारे साइटोकाइन रिलीज हुए और उन्होंने अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जिसकी वजह से अप रेगुलेशन के थ्रू दोबारा मैक्रोफेज और डेंटोटिक सेल एक्टिवेट हो गई इंटरलोकिन टू की वजह से इंटरलोकिन फोर हुआ जिसकी वजह से टी एच टू पॉपुलेशन हुई अलग अलग इंटर साइटोकाइन रिलीज हुए अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और डाउन रेगुलेट कर दिया इन्होंने माइक्रोफेज एंड डेंडेटिक सेल के एक्टिवेशन को और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इंटरलोकिन फोर दोबारा से बन गया ये हमने पढ़ा अब टी एच वन जो है वो प्रोड्यूस करवाती है आई जी टू ए को ये इसको इनहिबिट कर देती है टी एच वन इनिबिट करती है आई जी, जी वन एंड आई जी ई को और टी एच टू क्या है प्रोडक्शन को प्रमोट करती है आई जी वन एंड आई जी ई को दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पड़े टी बैट एंड गाटा थ्री जो ऐसे जीन को एक्टिवेट करवाएंगे ऐसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे जिसकी वजह से दो सबसेट पॉपुलेशन फॉर्म हो टी एच वन एंड टी एच टू जो एक्सप्रेशन है टी बैट का वो ड्राइव करता है सेल को डिफ्रेंशिएट होने में जिसकी वजह से सेल पॉपुलेशन बनती है टी एच वन सेल तो हमें क्या पता चला कि जो टी बैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो किसको फॉर्म करवाएगा टी एच वन सेल सबसेट को और किस को करेगा टी एच टू को इसी तरह जो गाटा थ्री है वो इसका अपोजिट कर देगा यहाँ पे टी एच वन बन रही थी तो यहाँ पे टी एच टू पॉपुलेशन बनेगी जो एक्सप्रेशन है टी बैट का वर्सेस गाटा थ्री वो किसके थ्रू डिटरमाइन होगा कि टी बैट फॉर्म होगा या गाटा थ्री फॉर्म होगा वो अगेन साइटोकाइंस के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है जैसे गामा एंड इंटोलुकिन फोर इन द प्रेजेंस ऑफ इंटर गामा एंड टी सेल अप रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ टी बैट अगर गामा है तो जो टी सेल की पॉपुलेशन है वो किसके एक्सप्रेशन को करवाएगी टी बैट की और किसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेगी गाटा थ्री के इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं हमारे पास एंटीजन आए बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने टी सेल पॉपुलेशन पे एंटीजन को प्रेजेंट किया टी सेल्स ने साइटोकाइन को रिलीज किया दो साइटोकाइंस बने इंटरफिरोनगामा इंटरलुकिंग फोर गामा ने स्टेट वन को एक्टिवेट करवाया इंटरफिर जो इंटरलोकिंग फोर है उसने स्टेट सिक्स को एक्टिवेट करवाया अब जो स्टेट वन है उसकी वजह से टी बैट मतलब इनडायरेक्टली इसने इंटरफिर गामा ने किसको एक्टिवेट किया टी बैट को टी बैट क्या कर रहा है प्रमोट कर रहा है फॉर्मेशन किसकी -1 की टी एच वन की अपरेगुलेट कर रहा है सिंथेसिस किसकी टी एच वन की ठीक है और इंटरफिरन गामा की इंटरलोकिंग जो फोर था उसकी वजह से स्टेट सिक्स बना फिर उसने किसको एक्टिवेट करवाया गाटा थ्री ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जिसकी वजह से अप रेगुलेट हुई सिंथेसिस इंटरलोकिंग फोर एंड की और इसने प्रमोट करवा दिया किसकी फॉर्मेशन हेल्पर टी टू सबसेट पॉपुलेशन की तो यहां पे क्या है दो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं टी बेट एंड गाटा थ्री ठीक है, है? ये दोनों किसके थ्रू यहां पे एक्टिवेट किए जाते हैं दो साइटोकाइंस के थ्रू इंटरफिर गामा एंड इंटरफिर सॉरी इंटरलोकिंग फोर जिसकी वजह से एक में सबसेट पॉपुलेशन बनती है H1, एक में बनती है H2। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं कि भी टी एच फॉर्म होगा या टी एच फॉर्म होगा क्योंकि अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स में अलग अलग सेल एक्टिवेट होंगी और इनका बैलेंस ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी डिजीज हुई है तो उसका आउटकम क्या होगा वो क्योर होगी या नहीं होगी इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं फॉर एग्जाम्पल इन लेप्रोसी लेप्रोसी कोज की जाती है एक बैक्टीरिया के थ्रू जो कि कौन सा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई ये इंट्रा पैथोजन है इस सेल्स के अंदर मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अंदर जाके ये हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है तो ये सर्वाइव करता है फेगोसोम के साथ जिसमें हमारा फेगोसाइटिक और लाइसोसोम दोनों जो वेसल्स हैं वो वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं मैक्रोफेज में उसमें ये सर्वाइव करता है तो जो हमारी लेप्रोसी है वो दो फॉर्म में ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है एक फॉर्म होती है ट्यूबर क्लोइड लेप्रो, लेप्रोसी जो बहुत स्लोली प्रोग्रेस करती है और इसमें जो पेशेंट होता है वो सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये क्योर भी हो सकती है दूसरी बहुत ही एक्सटेंसिव केस होता है लेप्रोसी का लेप्रोमेटस लेप्र, लेप्रोसी जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स डिप्रेस करती है और ह्यूमरल एंटीबॉडी फॉर्म होती हैं इस केस में इसमें इन्फेक्शन बोन और कार्टिलेज तक चला जाता है और कभी कभी नर्व तक और टिश्यू तक डैमेज हो जाते हैं तो इसमें पेशेंट का क्योर होना बहुत ही रेयर होता है दोनों की केस में डेवलपमेंट होती है दोनों की डेवलपमेंट मतलब हमारी बॉडी में ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी होगी या लेप्रोमेटस लेप्रोसी होगी वो किसका बैलेंस डिफाइन करेगा टी एच वन सबसेट का एंड टी एच टू सबसेट पॉपुलेशन का क्योंकि यही दोनों एक दूसरे को क्योर करने में हेल्प करेंगी यहाँ पे जब हम ट्यूबर कुलोइड लेप्रोसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स क्रैक्टराइज किया जाता है टी एच वन सबसेट पॉपुलेशन के थ्रू यहाँ पे डिले टाइप हाइपर होती है इंटरलुकिंग टू एंड गामा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा यहाँ पे जनरेट होते हैं और क्योर करते हैं ट्यूबर कुलोइड लेप्रोसी को और जब लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है तो यहाँ पे टी एच टू टाइप की सबसेट पॉपुलेशन जो होती है वो एक्टिवेट होती है यहाँ पे इंटरलुक इन फोर फाइव एंड टेन का लेवल हाई हो जाता है सेल मेडिटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और सीरम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हमें इन दोनों की पॉपुलेशन से पता चलता है कि बॉडी में ट्यूबर क्लोइड लेप्रोसी हो रही है या लेप्रोमेटस लेप्रोसी हो रही है और यही दोनों डिफाइन करती हैं कि कौन सी लेप्रोसी को क्योर करना है